दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छा ही रहोगे। तो इसको देखिए, करिंदा बोलते हैं गांव के साइड में। हमारे गांव में इसको मचालू बोलते हैं। तो गांव के साइड में मिलता है, पनवेल साइड के लोग आते हैं, दादर में बेचते हैं, नेरुल में भी बेचते हैं, भाई केला में भी मिलता है। तो बहुत दिन पहले लाई थी, खाई थी, उसके बाद मुझे दिखा ही नहीं था। आज मुझे सडनली दिख गया, तो मैंने लेके आई। 40 रुपया पाव है। तो इसको उबाल के खाते हैं। तभी मैं इसको कुकर में उबालूंगी, एक एक मचालू को 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा करूंगी। तो चलिए, इसको धो के पहले हम काट लेते हैं। तो ये एकदम नया रेसिपी है, मैं इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, हमने इसको काट लिए हैं, पहले धो लिए फिर काटे। काटने के बाद इसको हम वापस से धो लिए। तब हम इसको कुकर में 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी लगा के चेक कर लेंगे, अगर वो गल गया है तो ठीक है, अगर नहीं गला है तो वापस 1 सीटी लगा देंगे। आलू की जैसा ये गल जाना चाहिए। ये मिट्टी के ऊपर होता है, मिट्टी के नीचे नहीं होता है। लते 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 झाड़ होते हैं, और दीवार पकड़ के गाँच पे झांग पे, गाँच पे भी होता है, झाड़ पे भी है, इसका झाड़ चढ़ जाता है। लते लते लंबे लंबे होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको कुकर में डाल दिए हैं। पानी इतना ही डालना है जो आधा डूबे, पूरा डूबने तक पानी नहीं डालना है, आधा डूबने तक ही पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, फीका फीका लगेगा, क्योंकि इसको सिर्फ 2 सीटी लगाना है। तो इतना पानी बस हो गया। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमको जितना नमक की ज़रूरत है उसका आधा डालेंगे। देखिए, उसका आधा ही डालेंगे, क्योंकि बाद में उबलने के बाद तो हमने मसाला बना के मसाला के साथ खाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा, तो उस मसाला में नमक भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, हमने मचालू को उबाल लिए, कोई करीना बोलता है इसको, हम लोग मचालू बोलते हैं। इसको हम लोग उबाल लिए, देखिए मस्त उबल गया है एकदम। देखिए देखिए सब कैसा उबला है, उल्टा साइड देखिए, उबलने के बाद भी उल्टे साइड में देखिए अपना डिजाइन का छाप छोड़ दिया है। ये देखिए, ये छिलके देखिए, छिलके में कैसे डिजाइन है, तो अंदर तक डिजाइन है। देखिए हमने छीले हैं, इस तरह से भी छीले हैं, फिर देखिए इस तरह से भी छिला गया है, देखिए एकदम। तो उसी तरह से इसने इसके अंदर डिजाइन छोड़ दिया है पूरा। तो हमने उसको उसके साथ खाने के लिए ली है, देखिए नमक है, थोड़ी सी काली मिर्च है, थोड़ी सी चाट मसाला है, और लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर है। तो हम ये सब कुछ मिक्स कर देंगे, तो अच्छा मसाला बन गया ये। मिक्स करके अभी हम इसके साथ खाएंगे सब। देखिए ये सब अभी हम एक साथ सब मिक्स कर दिए, और अभी मस्त खाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह से लाइए और खाइए, बहुत हेल्थी होता है। रतालू की जैसा है, रतालू जैसे उबाल के खाते हैं और भूज के खाते हैं, इसको भी भूज के खाते हैं। अंगार के ऊपर रख देते हैं, गांव में लकड़ी जलाते हैं तो उसमें डाल देते हैं। यहाँ अगर आप भूजना चाहोगे तो गैस के ऊपर रख के इसको भूज के फ्राई करके खा सकते हो, बहुत टेस्ट लगता है। अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप उसको छोड़िए मत, लाइए और आप उबाल के खाइए या भूज के खाइए, और कमेंट करिए कैसा लगा आपको खाने में, अच्छा या बुरा। मुझे पता तो चले कि आप लोग लाए और खाए, कौन कौन खाया, कौन कौन खाया है, कौन कौन इसको नहीं जानता, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग के आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप सब एक दूसरे के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।